जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया तब से इंडी गठबंधन इसी बात पे नाच रहा था ना, मोदी तो हार गए, मोदी चुनाव हार गए, मोदी चुनाव हार गए, यही ढिंढोरा चल रहा था, पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था कि मोदी हार गए। लेकिन इनका प्रोसेसर का स्पीड देखिए, इनको 10 दिन ये समझने में लगे कि अरे यार हारे तो हम हैं, हमारी सारी सारों की सीट मिला के मोदी की हमसे ज्यादा सीट आई है, 10 दिन इनको प्रोसेसिंग में लग गया। और अब इंडी गठबंधन को समझ में आ रहा है कि हारे तो इंडी गठबंधन वाले, नरेंद्र मोदी तो जीत गए, सरकार बना लिए। तो जब ये समझ में आया 10 दिन बाद इनको, तो अब ये ईवीएम की बात करने लगे। इंडी गठबंधन का हर नेता ईवीएम पर फिर सवाल उठाने लगा, ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाने में ये लोग जुट गए कि ओटीपी से ईवीएम को लॉक अनलॉक किया जा सकता है, जबकि इनकी सारी अफवाहें हर बार की तरह इस बार भी नहीं चली, टोटली फ्रॉड साबित हुई ये अफवाहें। लेकिन बात ईवीएम की नहीं है, ईवीएम को लेकर तो ये लोग पहले से झूठ बोलते रहे। बात यह है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी आगे की सोच रहे हैं, बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है, मोदी शाह सीटें कम होने पर मंथन कर रहे हैं, बीजेपी मंथन कर रही है, आगे के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इधर इंडी गठबंधन वालों का हाल यह है कि पहले तो महाराज की जय हो चलता रहा, पार्टी डांस चलता रहा कि गजब कर दिए गजब कर दिए, और जब अपनी हार स्वीकार नहीं हो पा रही तो इस सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे कि अगले 5 साल भी विपक्ष में बैठना है, इसलिए वो दूसरों को दोष देने और अपनी हार के नए बहाने खोजने में पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। फिर वही ईवीएम, और मैंने आपको बताया था ये लोग ईवीएम का सवाल इसलिए उठाते हैं कि कोई कार्यकर्ता ना पूछे कि बॉस 3 बार से आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप 100 सीट नहीं ला के दे पा रहे हो, आप ऊपर क्यों बैठे हो, आप हटो दूसरे को मौका दो, ये कार्यकर्ता ना पूछे, इसके लिए लोग ईवीएम करते हैं। यानी आपको फर्क भी दिख जाएगा नरेंद्र मोदी और इंडी गठबंधन के बीच सोच का कितना अंतर है। नरेंद्र मोदी ने नई सरकार बनाने के साथ ही तेज रफ्तार से काम करना शुरू कर दिया, इंडी गठबंधन ये माहौल बनाने में जुटा है कि सरकार तो कभी भी गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, इंडी गठबंधन 15 दिन पहले आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में ही फंसा हुआ है, बीजेपी अपनी कम हुई सीटों पर मंथन कर रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है, इंडी गठबंधन अपनी हार का दोष फिर से ईवीएम पर डालने में जुटा है, मोदी आने वाले संसद सत्र की तैयारी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस यही तय नहीं कर पा रही कि संसद में नेता विपक्ष किसको बनाया जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार नए संसद सत्र में विपक्ष को साथ लेकर चलने और स्पीकर डिप्टी स्पीकर चुनने में बिजी है, विपक्ष इसी में फंसा है कि संसद भवन में मूर्तियों को इधर से उधर क्यों किया गया। यानी बीजेपी चुनाव नतीजों में मिले झटके को भूलकर आगे बढ़ रही है, इंडी गठबंधन इस आफ्टर शॉक से उभर ही नहीं पा रहा। इंडी गठबंधन का ईवीएम वाला पुराना ड्रामा फिर से शुरू हो गया। जब इलेक्शन का रिजल्ट आए थे रिजल्ट, तो इन्हें कुछ ज्यादा सीटें मिल गई तो इन्होंने ईवीएम पर बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब ये सरकार नहीं बना पाए, इनको लगा कि अरे ये तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, नीतीश धोखा देंगे, नायडू धोखा देंगे, कुछ हुआ नहीं, इन्हें लगने लगा कि 5 साल तो ये चल जाएगी बहुत सरकार, तो फिर ये ईवीएम का गाना शुरू किया। जैसे अगर आप देखिए, राहुल गांधी ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, नहीं तो इसे हटा देना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की तरफ खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात बीजेपी वाले साफ करें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी कहा कि अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है। ईवीएम को लेकर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें इंडी गठबंधन वाले ये नया नैरेटिव बनाने में जुटे हैं कि ईवीएम ना तो होती ना सरकार जो है बीजेपी की बनती, इनकी सरकार बन जाती। जैसे शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो बीजेपी को 240 नहीं 40 सीट मिलती। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि कम से कम 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में, ढंग से काउंटिंग हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि ईवीएम को लेकर यह नया दुष्प्रचार किस बात से शुरू हुआ और उसकी सच्चाई क्या निकली। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है, और अगर इसका सही ढंग से ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो यह सरकार गिर जाएगी। 80 सीटें संदेह के घेरे में, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं अगर ईवीएम ठीक होती तो 240 नहीं 40 आती,
चलिए मान लीजिए संजय सिंह की बात सही माने कि 80 संदेह के घेरे में, तो 240 में से 80 घटाइए, फिर भी 160 होती है। एक कह रहा 40 आएगी, एक कह रहा 160 आएगी, और जिसको ईवीएम हैक करना आता है वो 80 को छोड़ दिया, मतलब 80 पे कर लिया, बाकी 240 जो है वो उसके हिसाब से जो है वो हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या लॉजिक है? जिसको ईवीएम हैक करने आता है उसने 272 क्यों नहीं किया, 300 क्यों नहीं किया, 400 पार का नारा दिया था 400 पार क्यों नहीं किया? इनके लोग ही इन लोग से क्यों नहीं पूछते बॉस कि हार गए, मानो के हार गए, मानो केजरीवाल को एक सीट नहीं आई दिल्ली में, पंजाब में सरकार होने के बाद लोगों ने नकार दिया, मानो ना बॉस, क्यों नहीं मानते हो? और नहीं मानना है तो देश का सिस्टम खराब कर दोगे क्या? ईवीएम को लेकर यह नया ड्रामा एक न्यूज पेपर के आर्टिकल से शुरू हुआ, जिसमें मुंबई की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट को लेकर दावा किया गया कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार के रिश्तेदार के पास ऐसा फोन था जिसमें ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता था, लेकिन इस खबर को चुनाव आयोग ने फेक न्यूज बताया, यह क्लियर कर दिया कि ईवीएम को ओटीपी से नहीं खोला जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम का किसी बाहरी डिवाइस या सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है बॉस, और इसलिए ईवीएम ओटीपी से अनलॉक ही नहीं हो सकता। कुछ भी तमाशा चल रहा है इस देश में। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट की रिटर्निंग ऑफिसर ने भी क्लियर किया कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, यह किसी से कनेक्ट नहीं होता, यह किसी भी डिवाइस से स्वतंत्र है, इसे प्रोग्राम करने या अनलॉक करने के लिए किसी वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत ही नहीं, और इसे हैक नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद में अखबार ने अपनी खबर को लेकर स्पष्टीकरण दिया, ईवीएम को मोबाइल फोन में आए ओटीपी के जरिए अनलॉक करने वाली जो खबर छापी गई थी वो गलती से लिख दी गई थी, लिख रहा है गलती से लिख दिया तुमने, अखबार ने इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल छापे और गलती से लिख दिया, ऐसे चुन्नू सा छाप दिए, लिखते उसको भी बड़ा बड़ा कि हमसे गलती हो गई और इस गलती के लिए उन्होंने खेद दिया ऐसा चुन्नू सा, और आर्टिकल देखिए कितना बड़ा छापे थे ये लोग, और गलती से खबर छप गई। अखबार ने तो गलती मान भी ली, लेकिन इंडी गठबंधन वाले अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है। जब से खबर अखबार में छपी तब से इंडी गठबंधन वाले और उनका पूरा इकोसिस्टम इसी ईवीएम को लेकर, इसी खबर को लेकर ईवीएम पर अटैक करने लगे। इसके लिए वो अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के ट्वीट का सहारा भी लेने लगे। एलन मस्क ने क्या किया कि ईवीएम को लेकर एक ट्वीट कर दिया, कहा कि ईवीएम को हटा देना चाहिए क्योंकि एआई से ईवीएम के हैक होने का रिस्क है। एलन मस्क के इस ट्वीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि भारत की ईवीएम बिल्कुल सेफ है और इसे हैक नहीं किया जा सकता। राजीव चंद्रशेखर के जवाब में एलन मस्क ने यह लिख दिया कि कोई भी चीज हैक की जा सकती है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने जवाब दिया कि भारत की ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और पेपर वोटिंग से ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन एलन मस्क के इस बयान से इंडी गठबंधन को मौका मिल गया। अच्छा, एलन मस्क को इतना भरोसा है कि कोई भी चीज हैक हो सकती है, तो भाई चुनाव आयोग ने हैकथॉन और अरेंज किया था, आते ना तुम भी, करते आके, करते आओ आके, साबित कर दो कि ईवीएम हैक हो सकता है। वहां बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो, ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो। लेकिन उन्होंने बोला, जिस आदमी को पता नहीं कि यहां चुनाव कैसे होता है वो आदमी अमेरिका में बैठ के लिख रहा है, और यहां राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को इजाजत नहीं है कि वो इस पर सवाल उठाए। सवाल उठाना बॉस, यहां तो ईवीएम को हैक करके दिखाने की भी इजाजत दी गई थी, लेकिन आप में से एक नेता नहीं गया था वहां हैक करने के लिए। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा चुके हैं। जब संस्थाओं की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है तो लोकतंत्र में गड़बड़ होने की आशंका बढ़ जाती है। ये कौन आदमी कह रहा है जो दो सीट से लड़ा है और दो सीट से चुनाव जीता है, वो कह रहा है कि चुनावी सिस्टम में गड़बड़ी है, तो आप कैसे जीत गए ये भी तो बताओ, वो भी दो दो सीट। जो इंडी गठबंधन आज ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता रहा है, उसी ईवीएम से कांग्रेस 52 सीटों से 99 पर आई है, इसी ईवीएम से इंडी गठबंधन 234 सीट पर पहुंचा है, इसी ईवीएम से नरेंद्र मोदी की 63 सीटें कम हुई हैं, इसी ईवीएम से राहुल गांधी दो दो सीट जीते हैं। सुनिए एक बार मुंबई में एनडीए के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद ईवीएम पर क्या कहा। 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ, अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी दो दो सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते, अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती, अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। इसलिए 2024 की बात करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे तो इंडी गठबंधन वालों ने ईवीएम को लेकर मुंह पर ताला लगा लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान थे,
कि इंडी गठबंधन वाले ईवीएम को लेकर अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर विपक्ष पर क्या कहा था एक बार वो सुनिए, फिर बताता हूं कि ईवीएम का ये नया मामला शुरू कहां से हुआ। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। इंडी गठबंधन ने ईवीएम को लेकर जो नया बवाल खड़ा किया है वो मामला मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से जुड़ा है, और इस सीट पर जीत का अंतर सिर्फ 48 वोट का रहा। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर को शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट रविंद्र वायकर से 1 वोट ज्यादा मिला था। शिवसेना उद्धव गुट को 4,51,095 वोट मिले, शिवसेना शिंदे गुट को 4,51,094 वोट मिले थे। लेकिन पोस्टल बैलेट के वोट में शिवसेना उद्धव गुट को 1501 वोट मिले, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 1550 वोट। इस तरह से शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट ने शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट को 48 वोट से हरा दिया। अब जब इस तरह से इतने कम वोटों से जीत हार का अंतर हो तो स्वाभाविक है कि हारने वाला कैंडिडेट कुछ ना कुछ संदेह करने वाली बातें कहेगा। हर जगह जहां पर जीत हार का अंतर कम होता है वहां पर इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए जाए। ईवीएम को लेकर इंडी गठबंधन का पुराना एजेंडा रहा है और वही एजेंडा इस बार भी चलाया जा रहा है। इंडी गठबंधन क्या कह रहा है जरा इसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जिस सीट की बात हो रही है वहां मामला ईवीएम का नहीं, वहां मामला कुछ और है। इलेक्शन कमीशन यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वायकर को, टोटली इलीगल, वो हरा हुआ आदमी है। ये इस देश का ऐसा चुनाव का निर्णय है कि देश में ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार से जो 100 या 1,000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है। सर, सीएम शिंदे ने कहा है कि ये सब अपोजिशन की स्ट्रेटेजी है। ये क्या स्ट्रेटेजी है? एलिगेशंस लगा, कौन सा एलिगेशन है? ईवीएम के बारे में ऐसे हो नहीं सकता है ओटीपी से। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? सत्ता पक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इंडिया अलायंस, महाविकास अघाड़ी, विपक्ष जो है वो जिन 235-240 सीटों पे जीता है वहां पर हैक नहीं होता है, जहां पे वो हारते हैं वहीं पे हैक का सवाल क्यों खड़ा? मैं बताऊं, अगर सही मायने में इलेक्शन मशीन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने 350 सीट जीत ली होती। सवाल ये भी होता है कि एक सीट भी अगर शक के घेरे में आ रही है, किसकी जिम्मेदारी होगी ये क्लियर करने की? प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि अगर ईवीएम की गड़बड़ी ना होती तो हम 350 सीट जीत लेते। तो जब रिजल्ट नहीं आया था तो इनका तो खुद का एग्जिट पोल 295 सीट दे रहा था, तब तो पता नहीं था कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तब तो आपको पता नहीं था कि ईवीएम में क्या होने वाला है, तब खुद को 295 क्यों दे रहे थे? तभी 350 बोलते कि हम 350 जीत रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि शिंदे क्या एलन मस्क का बाप है क्या? एलन मस्क क्या भारतीय लोकतंत्र का बाप बैठा है क्या? ये एलन मस्क वहां अमेरिका में बैठ के बताएगा क्या हो सकता है नहीं हो सकता है? इंडी गठबंधन वाले भले ही ईवीएम पर कुछ भी बोले, लेकिन जिस मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट का ये मामला है वहां इशू ईवीएम का नहीं था, वहां इशू काउंटिंग सेंटर में फोन ले जाने का है। उस पर एक्शन भी हुआ। शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट का जो रिश्तेदार काउंटिंग सेंटर में फोन लेकर गया था उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। काउंटिंग सेंटर का सीसीटीवी पुलिस को दिया जा चुका है और जो फोन इस्तेमाल हुआ था उसे भी सीज करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। एक तरफ इंडी गठबंधन की सुई ईवीएम पर अटकी है, उधर बीजेपी ने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। 5 महीने के अंदर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने इन चुनावों के लिए अपनी टीम भी बना दी। बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी।
अब ये सोए रहेंगे ईवीएम करेंगे और बाद में रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आएगा तो कहेंगे ईवीएम जो है वो गड़बड़ है। दूसरा तैयारी शुरू कर चुका है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लव देव को सह प्रभारी। धर्मेंद्र यादव की तस्वीर लग गई थी, वो गलत लग गई थी, उसके लिए माफी। झारखंड चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर भरोसा जताया गया है, उन्हें राज्य का प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। जिन चार राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें दो राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी लोकसभा चुनाव में उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें 23 से घटकर 9 रह गई, जबकि इंडी गठबंधन ने 48 में से 31 सीटें जीती। महाराष्ट्र में यह बीजेपी के लिए बड़े झटके की तरह है। इस झटके को बीजेपी ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है, इसलिए अगर आप देखें महाराष्ट्र की कमान दो बड़े नेता भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को दी गई। ये दोनों ही नेता राजस्थान के रहने वाले हैं। भूपेंद्र यादव को इससे पहले ओडिशा को का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। राजनाथ सिंह के साथ भूपेंद्र यादव ने ओडिशा में नए मुख्यमंत्री के चयन में अहम भूमिका निभाई थी। भूपेंद्र यादव को लगातार दूसरी बार कैबिनेट में मंत्री बनने का भी मौका मिला है, उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद बताया जाता है। इसी तरह अश्विनी वैष्णव को भी नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में रिपीट किया है और इस बार उनका कद कैबिनेट में और बढ़ गया है। अश्विनी वैष्णव भी नरेंद्र मोदी के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं, उनका कद इस तरह से भी बढ़ा कि आप देखिए उनको 3-3 मंत्रालय मिले हुए, आईटी मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री और आईएनबी मिनिस्ट्री। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद वहां बीजेपी की सीटें घटकर आधी हो गई। हरियाणा में बीजेपी 10 में से 5 सीटों पर हार गई, पिछली बार 10 में से 10 सीटें जीती थी। हरियाणा के नतीजे भी बीजेपी के लिए झटके की तरह है, लेकिन बीजेपी ने नतीजों की निराशा को पीछे छोड़कर हरियाणा में मजबूत प्लानिंग शुरू कर दी है। इसी वजह से केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाकर वहां भेजा गया। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, यूपी से बिहार तक उनके प्रभारी रहते हुए बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हार के पीछे भी धर्मेंद्र प्रधान के रणनीतिक कौशल को अहम माना गया। पिछड़े वर्ग से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक और झारखंड राज्यों में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबके को पार्टी से जोड़ने का काम भी किया। इधर हरियाणा में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, उधर हार की वजह पर मंथन भी शुरू हो गया है। झारखंड की बात करें तो वहां अभी इंडी गठबंधन की सरकार है, उसे हटाना बीजेपी की प्राथमिकता है। वहां बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े चेहरे को उतारा है, साथ में फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। दोनों नेता बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। शिवराज सिंह के रहते हुए बीजेपी ने पहले दिसंबर में विधानसभा चुनाव जीता, फिर लोकसभा चुनाव में सारी सीटें मध्य प्रदेश में जीती। इस बैक टू बैक जीत के साथ ही शिवराज सिंह का कद बीजेपी में और बढ़ गया। नरेंद्र मोदी ने इसलिए उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा एक साथ दिया। बीजेपी न सिर्फ आगे की प्लानिंग में जुट चुकी है बल्कि खराब प्रदर्शन की वजहों पर भी तेजी से मंथन चल रहा है ताकि उन कमियों को सुधारा जा सके। जैसे यूपी में हार के लिए बीजेपी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी तैयार कर ली। सूत्रों के हवाले से पहली रिपोर्ट में हार की जो वजह बताई गई उसमें कहा गया है कि पहली वजह नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पर उम्मीदवार खुद को जीता हुआ मान बैठे और ज्यादा अति उत्साही हो। दूसरी वजह, दो बार से ज्यादा जीते हुए सांसदों को लेकर जनता में नाराजगी थी, कुछ सांसदों का व्यवहार भी ठीक नहीं था। तीसरी वजह, राज्य सरकार ने करीब 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने के लिए कहा था, उसकी अनदेखी हुई, टिकट बदलते तो परिणाम बेहतर हो। चौथी वजह, इंडी गठबंधन के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव का बीजेपी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाई। पांचवी वजह, पार्टी पदाधिकारियों का सांसदों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहा। यही वजह थी कि पूरे राज्य में मतदाताओं की वोट वाली पर्ची इस बार बहुत कम घरों तक पहुंची। बहुत लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि भाई वो जो हर बार बीजेपी के लोग पर्ची देके आ जाते थे कि भाई ये पर्ची है, जाइएगा वोट देने, वो इस बार आए ही नहीं लोग। छठी वजह, कुछ जिलों में विधायकों की अपने ही सांसद उम्मीदवारों से नहीं बनी, विधायकों ने सपोर्ट ढंग से नहीं किया। सातवीं वजह, बीजेपी के लाभार्थी वर्ग को कांग्रेस की तरफ से मिल रही 8,500 रुपए महीने की गारंटी ने आकर्षित किया, लाभार्थियों से सीधा संवाद ना होना हार की वजह बना। आठवीं वजह, कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी बड़ा मुद्दा रही। निराश और उदासीन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए वोट तो किया लेकिन दूसरे लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ा। नौवीं वजह, पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं का नाम लेकर इंडी गठबंधन ने लोगों को भ्रमित किया और बीजेपी इसे ढंग से काउंटर नहीं कर पाई। दसवीं वजह, दलित वर्ग का वोट उस तरह से न मिलना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ जैसे पहले मिलता रहा।
यह यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बनाई गई शुरुआती रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट मंडल लेवल की पे तैयार हुई है। अभी दो और रिपोर्ट आने के बाद तीनों रिपोर्ट को पहले क्लब करेंगे और फिर उसका निचोड़ निकालकर बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे कि कहां कहां गलती है। यह बीजेपी इस लेवल पर काम कर रही है, वहां इंडी गठबंधन अभी भी ईवीएम पे रो रहा है। एक तरफ आने वाले इलेक्शन को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ चुनाव के बाद पहले संसद सत्र को लेकर भी बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। संसद सत्र को लेकर सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर पद पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही। लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी, डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी को दिया जा सकता है। स्पीकर के पद के लिए एनडीए और विपक्ष में आम सहमति बनाई जाएगी, आम सहमति के लिए बातचीत करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। यानी स्पीकर की पोस्ट को लेकर इंडी गठबंधन को एक और जख्म मिलेगा, क्योंकि ये लोग सोचकर बैठे थे कि ये पिन मारेंगे कि अरे अपना स्पीकर नहीं बनाए तो मोदी तुम्हारी पार्टी तोड़ देंगे और यहां एनडीए में बवाल हो जाएगा। वो तो हो नहीं रहा। ये सोचे बैठे थे कि स्पीकर की पोस्ट के लिए एनडीए में टकराव होगा, स्पीकर बीजेपी का नहीं बनेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ इंडी गठबंधन की ख्वाहिशों का उल्टा चल रहा है। लोकसभा स्पीकर के लिए जो नाम चल रहा है उनमें पहला नाम तो ओम बिड़ला का चल रहा है, जो पिछली बार भी लोकसभा स्पीकर थे। ओम बिड़ला राजस्थान की कोटा सीट से फिर से जीते हैं और उन्हें पिछली बार विपक्ष के बड़े हंगामे के बीच लोकसभा चलाने का अच्छा अनुभव है, इसलिए अगर ओम बिड़ला का नाम फिर से लोकसभा स्पीकर के लिए आता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर के लिए दूसरा नाम बिहार के पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह का चल रहा है, जो 6 बार के वरिष्ठ सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा स्पीकर के लिए तीसरा नाम आंध्र प्रदेश की बीजेपी अध्यक्ष और सांसद डी पुरंदेश्वरी का चल रहा है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली भी हैं और पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाने से टीडीपी के साथ तालमेल भी ठीक रहेगा। लोकसभा स्पीकर के लिए वैसे तो वोटिंग नहीं होती, आम सहमति से स्पीकर चुन लिया जाता है और आमतौर पर जो पार्टी सरकार में होती है या जिस गठबंधन की सरकार होती है उसी में से किसी व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है। वोटिंग की नौबत तब आती है जब विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे, लेकिन यह होता नहीं है। स्पीकर बनाने की प्रक्रिया क्या होती है जरा एक बार उसको समझिए। क्या है ना कि सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त किया गया एक प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ ग्रहण करा देता है, उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव होता है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थाई स्पीकर होते हैं जिन्हें संसद में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया गया, मतलब टेम्परेरी। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता और नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव और वोटिंग कराने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम स्पीकर की होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है, वो कहता है कि अब आप संभालिए, हो गया मेरा काम। संविधान के आर्टिकल 93 में कहा गया है कि स्पीकर का पद खाली होते ही सांसदों को जल्द से जल्द अपने में से 2 सांसदों को स्पीकर या और डिप्टी स्पीकर चुनना होता है। अब 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो सकता है, इसके साथ ही 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जा सकता है। इंडी गठबंधन अब दबाव बना रहा है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, नहीं तो स्पीकर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। इंडी गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों को भी भड़का रहा है कि अगर सहयोगी दलों ने अपना स्पीकर नहीं बनाया तो बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ देगी। लेकिन इंडी गठबंधन के भड़काने के बाद भी जेडीयू जैसे अहम सहयोगियों ने क्लियर कह दिया है कि स्पीकर का पद तो सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी के पास ही रहना चाहिए, जबकि टीडीपी ने अब तक इस पर कुछ क्लियर नहीं किया है। एक तरफ बीजेपी खटाखट फैसले कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस से यह फैसला नहीं हो पा रहा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे या नहीं। कांग्रेस ने आज यह तो फैसला कर लिया कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे और प्रियंका वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस यह फैसला अब भी नहीं कर पाई कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, जबकि कांग्रेस को 10 साल बाद मौका मिला है कि उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद मिल सके, क्योंकि पिछली 2 लोकसभाओं में कांग्रेस को लगभग को लोकसभा की 10% सीट भी नहीं आई थी। इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं तो वो लोकसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावेदारी कर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर यह मांग हो रही है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन जाएं, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार है नहीं, अभी उनका मूड भी तो बनना चाहिए भाई। अभी तो डिमांड हुई है कि राहुल जी आप संभालिए, राहुल जी का भी तो मूड बने। ये क्लियर नहीं है कि उनका मूड बना है कि नहीं, वो करेंगे ये फैसला लेंगे कि नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता की बड़ी जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया अब तक रहा है उससे लगता नहीं कि वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो। यही वजह है कि अब तक शायद कांग्रेस इस मामले में फैसला नहीं कर पाई, लेकिन एक फैसला इन्होंने कर लिया कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट पर जमे रहेंगे। खैर, वहां क्या फैसला होगा ये तो बाद की बात है। कुछ फैसले मुख्यमंत्रियों को लेने हैं, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री। पाठशाला में अब अगली क्लास, सीएम केजरीवाल पानी के लिए तरसा रहे, सीएम योगी पानी पिलाने का प्लान कैसे बना रहे,
केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर वो चैप्टर लाया हूं जो आपको हैरान करेगा। योगी कौन सा कानून लाए कि यूपी में हड़कंप मचा है, अब इसका चैप्टर।